हेलो गाइज, आज के अपने एक और नए सीरीज में आपका स्वागत है। आज ही अपना ये तीसरा सीरीज का तीसरी सीरीज है और आज आप यूनिटी थ्रेशर देख सकते हैं सुबह का मौसम। और आज अपने को पूरा दिन चने की बोनी करनी है और मैं आपको बीज भी दिखाऊंगा कौन सा बीज है। पहले तो हम पास ऊपर कर रहे हैं क्योंकि चना ज़्यादा खोल बोना है, इसलिए पास ऊपर पास नीचे, इसलिए कल्टीवेटर सीढ़ी लगता नहीं, इसलिए पहले पास ऊपर लेंगे और उसके बाद ट्रैक्टर को फंसा लेते हैं। और गाइज, अभी सीडिल में बीज डालने की प्रक्रिया चालू और बीज की वैरायटी मैं आपको दिखाऊंगा। और आप यहाँ पे आप देख सकते हो अपना सीडिल की तैयारी हो चुकी है और बीज डालेंगे और सीधा खेत में जाएंगे हम। और यहाँ पे आप बीज देख सकते हो बीज, और जो बीज की वैरायटी मैं आपको आगे बता देता हूँ, जो चने की वैरायटी वो चाकी, यहाँ पे आप देख सकते हो जाकी 9218 जो वैरायटी आप यहाँ पे देख सकते हो जाकी 9218, ये वैरायटी हम खेत में बोने वाले है। और इसका जो एवरेज यानी कि पर एकर एवरेज हमें पता चलेगा तीन चार महीने के बाद पता चलेगा तब, और देखेंगे क्या परफॉर्मेंस देता है ये बीज। जो बीज के साथ गंधक दिया हुआ है यानी कि जो पाउडर दी हुई है बीज के साथ। और भाई अभी खेत में पहुंचे और देखेंगे पेटी में अपना 20 किलो भी है बीज यानी कि, और देखेंगे 20 किलो बीज कितने एकड़ में लगता है, 2 एकड़ हो गए या 1.5 एकड़ देखेंगे। और भाइयों, जो चना बोना शुरू चालू है, और भाइयों जो चने की बोनी चाली और थोड़ी देर के लिए रुकवा दिए क्योंकि थ्रेशर का काम है। और कल अपन ने थ्रेशर की जो सेटिंग है वो सोयाबीन पे लगाई थी, लेकिन एक आदमी उनकी बाजरी निकलनी है, इसलिए अभी फिर से वापस सेटिंग लगा रहे बाजरी पे लगा दी। हाँ सर, बाजरे पे सेटिंग लगा दी है और सिर्फ ऊपर के जो फैन है वो ऊपर करने है क्योंकि जो फैन की हवा है वो कम करनी है। और उसके बाद ये चालनी बदल दी है, ये बड़ी वाली चालन भी बदल दी है। और ये आप देख सकते हैं दूर, ये सब महिंद्रा 575 टर्बो में ये ट्रैक्टर, और पुराना ट्रैक्टर है और सादी स्टेयरिंग। यहाँ पे ये रोटरी पंप में आता था और ये देख सकते हो ये रोटरी पंप में ये ट्रैक्टर है। यहाँ पे आप बैजिंग देख सकते हो, उत्सव 10 लाख ट्रैक्टर महिंद्रा की बैजिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली है। और यह देख सकते हो 575 DI। अभी ट्रैक्टर आएगा अपने घर पे ही, इंसान जो आदमी वो अपने बाजरी लेके आने वाला है ट्रैक्टर में और ट्रॉली में, और वह निकल लेंगे आधी ट्रॉली सिर्फ। ये पूरा प्लेन चौपट हुआ कि जो महिंद्रा ट्रैक्टर है उस पर डागर ही नहीं फिट हो रहा था, इसलिए फिर अपना ट्रैक्टर जोड़ना पड़ा।
और अभी ट्रॉली रिवर्स लग रही है और ट्रॉली से ही सीधा माल अपना थ्रेशर में जाएगा। थोड़े आओ दे बस गाने लिए वाड़ेली सांगे और भाई अभी सीधा मशीन चालू कर रहे अभी मशीन चालू हो चुका है आज बहुत दिनों के बाद बेटे महिंद्रा 475 DI ट्रैक्टर पे SP प्लस सीरीज के ट्रैक्टर पे और अपना पहले ट्रैक्टर था महिंद्रा 475 SP प्लस सीरीज में और अभी